पतंगों में सबसे छोटी पतंग कहलाती ही है, जिसको बोलते हैं ढैया, ढाई वाली। ये सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी ये पतंग होती है मंझोला, उससे बड़ा ये अद्दा अद्दा। मेरा काम पतंग का है, मैं करीबन 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरा फादर अपने बचपन से कर रहे हैं। हम तीन चार चीज़ों को मिला के एक शक्ल देते हैं पतंग की, फिर हम सप्लाई करते हैं। लगभग 40 साल से हम ये काम कर रहे हैं और ये दुकान लगभग 100 साल से पतंग की ही है। पार्टीशन से पहले भी पतंग की दुकान थी, पार्टीशन के बाद में भी मंगल सहन जी थे वो इस दुकान पर पतंग बेचा करते थे। हमने अपने बचपन में उनसे पतंग लेकर के उड़ाई है। देश आज़ाद हुआ था उस उपलक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कबूतर उड़ाए थे और पतंग उड़ा के इजहार कर रहा था। जब से ये परंपरा चली आ रही है 15 अगस्त को। होली पे जैसे पिचकारी छोड़ना जरूरी होता है आदमी के लिए, दीपावली पे जैसे कि आपको आतिशबाजी जलाना या दिया जलाना वो अच्छा लगता है, ऐसी पतंग पे भी आदमी सोचता है कि तिरंगा उड़ा दे। 15 अगस्त में सबसे ज्यादा तिरंगा ही बिकता है, आजादी पतंग तिरंगा। पूरे लाल कुएं में उससे बड़ा झंडा, हमारी शॉप से बड़ा झंडा कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारे देश की शान है सर, इसके आगे तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। इसको देख के दिल में एक अजीब सी खुशी होती है। सबसे आसान, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका है पतंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट का। अपनी पतंग को पॉपुलरिटी करने के लिए जैसे मोदी जी को छाप दिया बस, ताकि हमारी पतंग बिके बस। आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले ये फिल्मी पतंग स्टार्ट हुई थी। फिल्म के बाद चली इसमें कार्टून करेक्टर एवरग्रीन है। लेकिन अब जो है पिछले 5-6 साल से, 8 साल से ऐसा हो गया कि जो पॉलिटिक्स है वो पतंगों में आ गई है। नेता तो फिर भी 5 साल रहेगा, फिल्म 5 साल कोई नहीं रहेगी। हमने सबने आपस में मिलकर देश को आजाद करवाया था, किनसे? अंग्रेजों से। तो फिलहाल तो वही सोच के आजादी सेलिब्रेट करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन अब मैं कुछ कह नहीं सकता किस तरीके की आजादी हम चाह रहे हैं और क्या मिले। इस टाइम तो कोई अपने देश के लोग ही बंदिश में बनाए रखे हुए हैं। बताइए, नफ्सा नफ्सी का माहौल चल रहा है आजकल इस हिसाब से, तो ऐसा लगता है हम अपने मुल्क में आज़ादी नहीं है। अभी वो मसले देखता हूँ मैं नेटो पे, काफ़ी सारे झगड़े हिंदू मुस्लिम लोग। मैं बोलता हूँ जय श्री राम, अल्लाह अकबर भी बोलता हूँ। तो हमारे मज़हब में ये थोड़ी है कि किसी के मज़हब की वेद भी करना। हमारे मज़हब में ये है, वो अपना इस्लाम कर रहा है, हम अपना इस्लाम, हम अपनी इबादत करेंगे। ये भेदभाव वाली, इससे आज़ादी लेना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, जो से अब से 40-50 साल पहले थी। कोई किसी को हिंदू नहीं कहता था, कोई किसी को मुसलमान नहीं कहता था, वो ये कहता था हम हिंदुस्तानी हैं गांधी जी के टाइम में। मज़हब के हिसाब से आएगी तो हिंदू अपनी पतंग लगाएगा, मुसलमान अपनी पतंग लेगा, हम सब एक है, ऐसी पतंग बनाओ ना। इंडियन कहना अपने आप को बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। काफ़ी दफ़ा मैं देखता हूँ तिरंगा पड़ा हुआ उठा के साइड में रख दिया, पतंग फटी हुई। इस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, झंडे का हम इस्तकबाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उस तिरंगे में तो हमारी जान बसती है, मगर इस चीज़ को नहीं समझ पाता ना वो। हम तो ये चाहते हैं साहब हिंदू मुस्लिम सब मिल के चलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो मेरे लिए कानून हो वो दूसरे के लिए भी कानून हो। आज़ादी तो खैर सर क्या बताऊँ मैं आपको, बस मेन बात ये सारे भेदभाव ख़त्म हो जाए, आज़ादी आज़ादी।